वाली पैंट कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। पैंट सभी काटते हैं, लेकिन सभी लोगों का अलग अलग तरीके से दोस्तों काटते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। तो आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं दोस्तों वो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लेडीज एंड जेंट्स दोनों प्रकार की सिलाइयों संबंधी जानकारियां देता हूं। तो दोस्तों, आपने नाप तो सुन ही लिया होगा दोस्तों, तो मैं उस नाप के अनुसार आपको मैं कटिंग करना बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि कपड़े को किस तरीके से बिछाना है। दोस्तों, कपड़ा हम जो भी मार्किंग करते हैं वो उल्टी कपड़े पर करते हैं दोस्तों। तो किनार साइड दोस्तों हमें ये कपड़ा अपने पास इस तरीके से बिछा लेना है। और दोस्तों, बिछाने के बाद में हमें एल स्केल से यहाँ पर एक सीधा मार्का लगा देना है इस तरीके से। और दोस्तों, एल स्केल से निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसकी लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों, इसकी लंबाई है वो 38 इंची है, यानी कि 38 है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाते हैं, कोई 1.25 इंची का भी बेल्ट रोल लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस पैंट में 1.25 इंची का बेल्ट रोल लगाऊंगा दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों कि हमें यहां से इस तरीके से लगभग हमारी यहां पर 0.5 इंची सिलाई चली जाती है। तो दोस्तों, हमें इंची टेप को यहां पर लगभग 0.5 इंची ऊपर निकालना है और इस तरीके से हमें हमारी लेंथ 38 इंची है तो 38 पर इस तरीके से निशान लगा देना है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से 1.25 इंची का बेल्ट लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लगभग 0.5 इंची ऊपर निकालना है। और दोस्तों, नीचे तुरपाई करेंगे उसके लिए आप 2.5 इंची या 3 इंची ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें लगभग 3 इंची ले रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आगे भी हमें इसी तरीके से हमें 0.5 इंची ऊपर निकाल के, और हमारी लेंथ 38 है और हमें 3 इंची एक्स्ट्रा ले रहे हैं तुरपाई के लिए, तो हमें ये इस तरीके से मार्का लगा लेना है। और मार्का लगाने के बाद में दोस्तों, इन मार्कों को इस तरीके से सीधा कर देना है। और दोस्तों, अब हम इसका आसन रखेंगे। आसन को लटक भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आसन हम हिप के अनुसार रखेंगे। तो दोस्तों, इसकी हमने हिप की नाप ली थी वो 38 थी, अर्थात 38 थी। तो दोस्तों, हमें 38 को 1/4 में डिवाइड करेंगे, अर्थात 4 का भाग लगाएंगे। तो दोस्तों, लगभग 9.5 इंची आएगा इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, ये पैंट प्लेट वाली है तो लगभग हमें 0.5 इंची एक्स्ट्रा लगाना है। तो दोस्तों, हम इसकी 10 इंची इस तरीके से निशान लगाएंगे। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, फिटिंग पैंट में दोस्तों हम 0.5 इंची कम करते हैं और सादा पैंट में हम 0.5 इंची बढ़ाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ये पैंट हैं
ये पेट के ऊपर बंधेगी और ये बुजुर्ग आदमी की है, तो दोस्तों बुजुर्ग आदमी हमेशा ऊपर ही पहनता है, नीचे नहीं पहनता है। यदि ये नीचे पहनता तो हम हिप का 1/4 कर लेते, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको मैं पैंट लोग अलग अलग तरीके से काटते हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको अलग तरीके से कटिंग करना बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 1.5 इंची का निशान लगा लेना है, इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और दोस्तों 2 इंची ऊपर हमारी यहाँ पर सिलाई लगेगी, तो हमें ये 2 इंची का भी निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कमर है वो 32.5 इंची है, 32.5 है दोस्तों। तो 32.5 में हम 1/4 करेंगे, 8 चौक 32 और एक सूत कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों हमारी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइडों में लगभग 3-3 सूत की सिलाई जाती है, तो दोस्तों हम 6 सूत और ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों ये प्लेट वाली पैंट है, तो प्लेट वाली पैंट के लिए दोस्तों हमें लगभग 1.5 या 2 इंची अपने ल्यूज के अनुसार, आप जितना ल्यूज रखना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें ल्यूजिंग लगभग 2 इंची की रखूँगा इस तरीके से। और दोस्तों हमने इसकी जांघ की नाप ली थी वो 24 इंची थी, तो दोस्तों हमें 24 का आधा कर लेना है और यहाँ पर हमें 12 इंची पर इस तरीके से निशान लगा देना है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से निशान लगाने के बाद में यहाँ से हमें इंची टेप से इस तरीके से आधा कर लेना है। और आधा करने के बाद में यहाँ से नाप के देखेंगे तो दोस्तों ये लगभग 6 इंची आ रहा है, तो 6 इंची पर हमें ये बीच का सेंटर का निशान लगा देना होगा। और दोस्तों इसकी जो हमने मोरी की नाप ली थी वो 16 इंची थी, तो दोस्तों 16 का हम 1/4 करेंगे तो 4 इंची आएगा दोस्तों। तो 4 हमें यहाँ लगा देना है और 4 हमें यहाँ लगा देना है इस तरीके से। दोस्तों हमें ये निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें ये सेफ अंटी की सहायता से, यदि दोस्तों ये फिटिंग होती तो हम इस तरीके से ज़्यादा सेप लगा लेते, लेकिन दोस्तों ये कम, यानी कि ये प्लेट वाली पैंट है तो हमें ये कम सेप लगानी है इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से लगा लेना है। और दोस्तों हमें यहाँ पर हल्का सा बाहर निकाल देना है ताकि हम तुरपाई करें तो हमारे को कोई दिक्कत न हो दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों हमें इन मार्कों को यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। और दोस्तों इन मार्कों को मिलाने के बाद में इसमें हम साइड जेब का निशान बताएंगे आपको। तो दोस्तों साइड जेब के लिए दोस्तों लगभग यहाँ पर हमें 2 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और इसका खुला मुंह रखेंगे दोस्तों हम लगभग 6 इंची इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों आगे से हम इसको 1/2 इंची डाउन करेंगे इस तरीके से, और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है दोस्तों। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पर कट लगा लेने हैं इस तरीके से। और दोस्तों अब मैं आपको बीच का सेंटर का निशान और आगे प्लेट डलती है वो निशान बता देता हूँ। इस तरीके से हमें एक चक्का लगा लेना है। ये हमारा बीच का सेंटर है। तो यहाँ पर लगभग हम इसमें 2 इंची की ल्यूजिंग रखी थी दोस्तों, इसमें हमने 2 इंची की ल्यूजिंग रखी थी। तो लगभग हमें 1.25 इंची पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और 1.25 इंची हमें और निशान लगा लेना है दोस्तों। और लगभग 1.25 इंची हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और इन मार्कों को दोस्तों हमें मिला लेना है। 1.25 इंची तो हम इस तरीके से मिला लेंगे और लगभग ये 1.25 इंची हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। इसको यहाँ से इस तरीके से दोस्तों हमें ये 2 प्लेट बनानी है दोस्तों। और यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। इस तरीके से। और दोस्तों अब मैं आपको बैक पार्ट काटना बता देता हूँ कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों बैक पार्ट काटने के लिए पैंट को इस तरीके से हमें रख लेना है। और जो हमने ये पैंट कटिंग की थी ये इस तरह बिछा देना है दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमें ये निशान उठा लेने हैं इस तरीके से। एक 1/2 इंच नीचे निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों हमें बैग को लगभग 1.5 इंच ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से हम इसकी नाप लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग हमारी 1/2 इंच सिलाई यहाँ से चली जाती है दोस्तों। और इसकी कमर हैं वो 32.5 हैं, तो हम इसमें करेंगे 1/4 हिस्सा करेंगे तो लगभग ये 8 इंची और 1 सूट करेंगे इस तरीके से। और 1 इंची हमें पॉकेट डॉट के लिए दोस्तों, और लगभग 2 इंची हमें एक्स्ट्रा रखना होगा इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से भी हमें इन मार्कों को उठा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसकी हिप हैं वो 38 इंची हैं, तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा लगा देना है इस तरीके से। और इन मार्कों को दोस्तों हमें मिला लेना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये सादा प्लेट वाली ब्लूज पैंट है तो हमें 3 इंची का निशान लगा लेना होगा दोस्तों। यदि ये फिटिंग होती तो हम इसमें 2.5 इंची या 2.25 इंची हम ल्यूजिंग के हिसाब से लगा लेते, लेकिन दोस्तों ये बुजुर्ग आदमी की है हमको फिटिंग नहीं चाहिए तो हमें लगभग यहाँ पर 3 इंची रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें 1/2 इंची या 1.5 इंची रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लगभग 1.5 इंची रख रहा हूँ। और दोस्तों इन मार्कों को हमें इस तरीके से मिला लेना है।
और दोस्तों यहाँ से हमको इस तरीके से ये गोड़ाई लगा लेनी है। इस तरीके से कटिंग हमारी यहाँ से होगी दोस्तों, और सिलाई है वो हमारी यहाँ से होगी इस तरीके से। और दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा रिवाइज करके इसको देख लेना दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।